आज हम जाएंगे चाय सुट्टा बार में। ये देहरादून का सबसे फेमस टी पॉइंट है और यहाँ काफ़ी सारी वैरायटी की चाय मिलती है, तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं चाय सुट्टा बार में, चलिए चलते हैं अंदर। आप दो मीडियम चॉकलेट चाय और एक चॉकलेट चाय। तो यहाँ पे हमने दो चॉकलेट चाय और एक लोडेड फ्राइज खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। तो गाइस, हमारा ऑर्डर आ चुका है चॉकलेट चाय। इट्स टेस्टी, काफी यूनिक है चॉकलेट चाय। मैं तो कहीं और इस जगह के अलावा कभी पी नहीं है। बहुत ही सही चाय है, आप ज़रूर आके पिए। ठीक है, शिवांग तो पी ही चुका है चाय को। इसमें लगता है सिल्क डाली है, कैडबरी सिल्क, काफ़ी अच्छी है। हालांकि मैं पता है डाली नहीं होगी पर अच्छी होगी। Guys, let's try loaded fries. बहुत ही चटपटी, बहुत मस्त। इन्होंने साथ में ओरेगानो भी दे रखा है, लेकिन मुझे लगता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें जितने भी बारबेक्यू सॉस, चीज़, मेयोनीज, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा ही चटपटा बना दिया उसने। चॉकलेट चाय के साथ ये बहुत अच्छा होना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन आदत से मजबूर हूँ। और एक आना थोड़ा सा मैं रुक नहीं पा रहा हूँ इसे खाते खाते। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गाइस, मेरे घर के पास तो ऐसा कुछ नहीं होता, राजपुर रोड ही आना पड़ेगा इसे खाने का। बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग स्वाद है इसका, जो कि चॉकलेट चाय बैलेंस कर ही दे रही है। बैलेंस गाइस, ये काफी स्पाइसी है और इसमें बारबेक्यू सॉस है, नॉर्मल टमेटो सॉस है और मेयोनीज। इसका जो ट्रायो कॉम्बिनेशन है, माइंड ब्लोइंग गाइस।
बहुत अच्छा है। तो आप लोग ये कह सकते हैं चाय सुट्टा बार में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन एक चॉकलेट चाय और लोडेड फ्राइज का ही हो सकता है। मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि यहाँ की चाय सबसे बढ़िया है और ये जो चॉकलेट चाय दिस इज़ अ वेरी गुड वेरी वेरी गुड। और इसके साथ जो हमने ये लोडेड फ्राइज खाए थे वो भी काफ़ी टेस्टी थे, तो ये जगह वर्थ इट। गाइस मेरा तो ओपिनियन ये है कि चाय सुट्टा बार बहुत ही वर्थ इट जगह है, चाय बहुत ही बढ़िया, आपके जो लोडेड फ्राइज हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी। मेरा तो ओपिनियन है इस जगह को ज़रूर ट्राई करें आप लोग, चॉकलेट चाय तो ज़रूर पिए।